हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नमकीन बूंदी। इसकी हम 3 वेराइटीज़ बनाएंगे, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं नमकीन बूंदी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नमकीन बूंदी बनाने के लिए 250 ग्राम्स मैंने बेसन ले लिया है, जो नॉर्मल बेसन होता है वो, मोटा बेसन नहीं लेना है। कप से मेज़र करेंगे तो करीब 2 कप्स मैंने ये बेसन लिया है। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काला नमक, भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, मीठा सोडा मतलब बेकिंग सोडा, कुछ पत्तियां मैंने करी लीव्स की ले ली हैं, मीठे नीम की, 2-3 टेबल स्पून पुदीने की पत्तियां ले ली हैं, और इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए बूंदी तलने के लिए। बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। लम्स नहीं पड़ना चाहिए, अगर एक साथ हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे। हम इसका पतला घोल तैयार करेंगे। ये हमारा घोल तैयार है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसे पतला बनाना है। इसमें करीब 1.25 कप पानी यूज़ हुआ है घोल बनाने में। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें करीब 1 पिंच में सोडा ऐड कर रही हूँ, बेकिंग सोडा। अब इसको हम थोड़ा फेंट लेंगे अच्छे से। हम बूंदी बूंदी के झारे से बना सकते हैं, नॉर्मल जो घर में झारा होता है उससे बना सकते हैं, कद्दूकस से भी बना सकते हैं। आज हम नॉर्मल झारे से बूंदी बनाएंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। घोल डालने से ये एकदम से ऊपर आ गया है, मतलब हमारा ऑयल गर्म है। बूंदी तलने के लिए अच्छा आप गरम ऑयल लीजिए, अगर कम गरम ऑयल होगा तो बूंदी आपस में चिपक जाएगी और फूलेगी भी नहीं आपकी। अब हम बूंदी को तल लेंगे, झारे को हम ऐसे बीच में पकड़ेंगे, झारे को हिलाना नहीं है। और जितनी बूंदी कढ़ाई में आ पाए उतनी ही बूंदी हम डालेंगे। झारा हटा लेंगे, देखिए कैसी गोल गोल बूंदी बनी है। अब थोड़ा इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक हम इसे तलेंगे, तब तक ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे। ये हमारी बूंदी तला गई है, लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। हम सारा इसका ऑयल ऐसे निथार लेंगे और इस तरीके से हम निकाल लेंगे। देख, आवाज से ही पता चल रहा है कि कितनी क्रिस्पी बूंदी तैयार हुई है। हम झारे को क्लीन कर लेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और हम सेकंड बैच इसका तलने के लिए डालेंगे। इस तरीके से हम सारी बूंदी तल लेंगे। हर बार बूंदी डालने से पहले हम झारे को साफ कर लेंगे थोड़ा, इसे भी हम गोल्ड लाइट गोल्डन कलर होने तक, क्रिस्पी होने तक अच्छे से तल कर निकाल लेंगे। ये सारी तल आ गई है। अब मसाले के लिए हम एक पैन गर्म करेंगे। हम इसमें 1-2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें हमने ये करी लीव्स और पुदीना ऐड कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे।
ये हमारा मीठा नीम और पुदीना फ्राई हो गया है, क्रिस्पी हो गया है। मीठे नीम और पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें से ऑयल में से हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। अब इन्हें हम फैला कर ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक हम ये बूंदी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम तीन तरीके की बूंदी आज बना रहे हैं। एकदम क्रिस्पी बूंदी बनी है, गोल गोल, बहुत ही बढ़िया। अभी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक बूंदी को हम ऐसे ही रखेंगे, ये प्लेन बूंदी है, इसको आप रायते में यूज़ कर सकते हैं या पानी पूरी के पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, चाट बना सकते हैं इसकी, या बूंदी की सब्जी में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके की बूंदी हम बनाएंगे, ग्रीन बूंदी, पुदीने वाली। इसमें हम ये जो हमने फ्राई करके रखा था इसको हम क्रश कर लेंगे। अब इस बूंदी में हम करीब 1/8 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डाल रहे हैं, 1/8 टीस्पून हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं। अब इसमें हम ये जो हमने क्रश करके रखा है फ्राई करके पुदीना और करी लीव्स, ये डाल देंगे और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बूंदी को आप रायते में यूज़ कर सकते हैं। इस बूंदी से आप रायता बनाएंगे तो एक बिल्कुल अलग और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप इसको पानी पूरी के पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी ग्रीन बूंदी, पुदीने वाली बूंदी तैयार है। अब हम मसालेदार बूंदी बनाएंगे। ये बूंदी बहुत ही चटपटी मिर्ची वाली होती है। इसमें हम करीब 1/8 टीस्पून नमक डाल रहे हैं प्लेन, 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रहे हैं काला नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। ये मैं इसमें देगी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा आए। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बूंदी बहुत ही चटपटी बनती है, इसे आप नमकीन के रूप में खा सकते हैं, पोहे के साथ ऊपर से सेव और बूंदी डालकर खा सकते हैं, आप इसे पोहा टॉपिंग बना सकते हैं, किसी तरीके का मिक्सचर बना सकते हैं, आप इसे भेलपूरी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए एकदम मसालेदार बहुत ही बढ़िया बूंदी तैयार हुई है। ये देखिए तीनों तरीके की बूंदी हमारी तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बूंदी कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बूंदी तैयार हुई है। ये तीनों ही बूंदियाँ बहुत लाजवाब हैं, आप घर पर बड़े आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, उससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।